सर मेरा नाम खुशबू चौधरी है, मैंने अभी 12th करी है एंड 12th में मेरे 95% थे। और गेम में 3.5 साल से खेल रही हूँ। हमारे कोच है गेमर संजय सोडा, मैं इन्हें प्रैक्टिस कराते हैं, हाई स्कूल में हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और मेरा नेशनल हो गया, इसके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आगे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मेडल के सारे राजस्थान में आपका सिलेक्शन हुआ, तो मेडल लाने में वो भी ऊपर बाढ़ का नाम कैसे नहीं चलेगा जी, होना एक अलग बात है और आगे और इम्प्रूवमेंट करके और खुद की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना अलग बात है। कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा कर सके उतना करें और हमेशा कोशिश करते ही हैं कि जितना अभी जैसा गेम है उससे आगे और अच्छा हो और इम्प्रूवमेंट। बच्चों को 27 तारीख से बच्चों के कैंप लगे 2 दिन, उसमें से 15 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद में 28 से 29 से मॉर्निंग से कंटिन्यू बच्चों की प्रैक्टिस स्टार्ट है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम। आगे सिलेक्शन कहाँ हुआ, कहाँ खेलने जाएंगे? दिल्ली के लिए सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली में नेशनल पार्टिसिपेशन करने के लिए जाएंगे अंडर 19 नेशनल टाइम। आप कब से प्रैक्टिस करवा रहे हैं इनसे, कब कितनी उम्र की बच्चियाँ हैं और किन किन को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? अंडर 19 की बच्चियाँ हैं ये और सुबह मॉर्निंग इवनिंग सेशन में 6 बजे इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, सुबह 9 बजे तक प्रैक्टिस होती है, इवनिंग सेशन में इनको 4 o'clock स्टार्ट हो जाती है प्रैक्टिस, जो 7 बजे तक इनकी प्रैक्टिस चलती है। कितनी लड़कियाँ प्रैक्टिस में थी और कितनों का सिलेक्शन हुआ? 15 लड़कियाँ इस टोटल ट्रायल में आई थी, पहले 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से रिप्रेजेंट 15 ही थी, 15 में से 12 बच्चों का सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ इसमें। ये नवंबर लास्ट के अंदर शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ था, जिसके अंदर सभी जिले की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ परफॉर्मेंस के आधार पर 20 बच्चों का सिलेक्शन किया गया था कैंप के लिए। तो 26 और 27 तारीख को विभाग के निर्देशानुसार इनका चयन ट्रायल की गई। 2 दिन के ट्रायल के बाद में 12 बच्चों को फाइनली सिलेक्शन किया गया, जिनका 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक यहाँ पर कैंप आयोजित हो रहा है। और इसके बाद में ये 6 से 12 तारीख को 66वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता जो कि दिल्ली में आयोजित हो रही है उसके लिए जाएंगे। बाढ़ में कितने लड़के इसमें सेलेक्ट हुए, उनका क्या? इसमें बाढ़ में से 2 बच्चे, एक जसोल से, एक लोकल यहाँ बाढ़ में से है, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनका सिलेक्शन हुआ है। कितने लड़के आए थे खेलने के लिए? बाड़मेर से एक टीम पार्टिसिपेट की थी पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट टूर्नामेंट के अंदर जो जैसलमेर में हुआ था उसमें, वहाँ की परफॉर्मेंस के आधार पर उनका सिलेक्शन किया गया। ठीक, मेरा नाम मजदूर तीरगर है, मैं जसवाल बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ और मैं 4 साल से बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। मेरे पापा पहले फिजिकल टीचर रहे चुके, वो भी बास्केटबॉल प्लेयर थे, उसके आधार पर मेरे को भी इस गेम फील्ड में डाल दिया है और मैं आगे बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अब नेशनल स्तर पर जा रहा हूँ, सासेट्री राज्य जिला स्तरीय प्रतियोगिता जैसलमेर में आयोजित हुई थी, उसमें हमारे टीम का 3rd रैंक लगी, उसके आधार पर हम बाड़मेर से 2 लोगों का चयन हुआ। इसी के साथ हम यहाँ पर कैंप बाड़मेर में लग गया, इसलिए 2 लोगों का चयन हुआ है। अब आगे जो है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि सिलेक्शन जो हुआ उसमें आप और भी आगे जा सको, कितना आगे जाना चाहते हो और मेडल लेने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? राजस्थान के लिए एक मेडल तो पहली बार लगा रहे हैं और आगे मेहनत करेंगे और आगे खेलेंगे। क्या आप मेहनत करेंगे? मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ, मैंने यहाँ स्कूल गोवा नंबर 3 में एडमिशन है, 11th क्लास में पढ़ता हूँ, यहीं से 5 साल से यहीं बास्केटबॉल खेलता हूँ। मेरे गुरुजी रेमर सिंह जी और अनूप सिंह जी ने मेहनत करके मेरे को अच्छा प्लेयर बनाया और हम जैसलमेर खेलने गए थे जहाँ 3rd पोजीशन लगी थी, वहाँ से चयन होकर इस कैंप शिविर में भाग लिया। आगे जो सिलेक्शन हुआ उसमें कितनी खुशी और क्या आगे मेहनत करोगे तो मेडल मिलेगा? बहुत खुशी है सर, आगे जाएंगे मेडल लेके आएंगे, राजस्थान का नाम रोशन करेंगे, ग्राउंड का नाम। तो जो सिलेक्शन हुआ उसमें कितनी खुशी है?